हेलो दोस्तों, आप लोग का इसी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग का हिंदी का जो व्याकरण है उसका वर्ड माला लेकर आया हूँ। वर्ड माला आप लोग को ये भी बहुत इजी लगता रहेगा, बट इसमें भी डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। मैं बता रहा हूँ किस तरीके से और इजीली आप लोग समझ सकते हो, और ये पेपर में 100% पूछा जाता है। आप लोग इसको छोटा समझ के पढ़ते नहीं, बट इसको आप लोग को कंपलसरी पढ़ना है। छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, सबके लिए इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप लोगों को एक चीज लिखा गया है, दूसरा है पहला भाषा। मैं आप लोग को बता, नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे वर्ड माला, वर्ड क्या होता है, वर्ड माला क्या होता है, दोनों बताने वाला अच्छे तरीके से, बस ध्यान से सुनना। सबसे पहले आता है वर्ड। वर्ड क्या होता है कि आप लोग का लेटर, लेटर मतलब एक, वर्ड मतलब एक अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है, जैसे कि अ ई उ क च आदि, ये सब क्या है, एक एक वर्ड है, वर्ड है। अब उसके बाद आप लोग को वर्ड माला क्या होता है, वर्ड माला ध्यान से सुनो। वर्ड माला अल्फावेट, वर्डों के सुव्यवस्थित मतलब व्यवस्थित समूह को वर्ड माला कहते हैं। मतलब वर्ड जो है उसके व्यवस्थित अच्छी तरीके से समूह को एक दूसरे में जोड़ के जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड माला बोलते हैं, वर्ड माला बोलते हैं। और वर्ड माला के कितने भेद होते हैं, यहाँ पे दिया गया आप लोग को, वर्ड माला के दो भेद दिया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वावेल्स और कॉन्सोनेंट, याद रखना वावेल्स और कॉन्सोनेंट। स्वर होता है मतलब आप लोग को जो इंग्लिश में वावेल्स बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं, वो चीज क्या होता है उसको मैं आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप लोग का स्वर क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है, बट आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वर क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर बोलते हैं। जैसे आई हम लोग पढ़ते हैं अ आ ई उ ए ऐ ओ, बट उसके अंदर हम लोग किसी का हेल्प नहीं ले रहे हैं, उसको स्वर, अभी कोई पूछ सकता है स्वर कितना होता है, तो बता सकते हो आप लोग 11 स्वर होता है। ध्यान से देखना यहाँ पे 11 दिया गया है, और इसमें कौन कौन सा होता है, आ ई आ ई उ ऋ सी ए ऐ ओ औ, बाकी यहाँ दो आयोग वाह दिया गया है, दो अह और अह याद रखना। और व्यंजन कितना होता है वो भी ध्यान से सुना, 35, ये दोनों को मिलाना पड़ता है। अब यहाँ 35 क्या चीज कितना कौन सा होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, जैसे क, हम लोग क्या बोल रहे हैं क, अ के आर मात्रा तो आर स्वर आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ इसको हम लोग व्यंजन बोले। जिन वर्णों के उच्चारण से स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। याद रखना आप लोगों को स्वर भी मालूम पड़ गया, जिसे किसी का ना हेल्प लेना पड़े उसको स्वर बोलते हैं उच्चारण में, और इसमें क्या लेना पड़ता है, स्वर का किसी का सहायता लेना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। और व्यंजन कितना होता है, 35 होता है। और उसके नीचे आप लोग को यहाँ पे दिया भी गया है व्यंजन का, पहले स्पर्श लिखा गया है, फिर अंत लिखा गया है, अंत अस्त और उष्म लिखा गया है। ध्यान से सुना, क वर्ग, क ख ग घ अंग, च च छ ज झ ट ठ ड ढ ण, और ये दोनों आप लोग का यहाँ पे साइड में दिया गया। और उसके नीचे त वर्ग के त थ द ध न, प कवर प फ ब भ म य र ल व स, यहाँ पे सब बताया गया क्या चीज कहाँ पे है। संयुक्त स्र त्र ये सब आ रहे हैं, त्र स्र ये सब एक संयुक्त है। अब याद रखना यहाँ पे नीचे कुछ वर्ड दिया गया, ध्यान से इसको अच्छी तरीके से ध्यान देना, इसमें क्या क्या चीज होता है उसको मैं बताता हूं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, हिंदी में स्वर में 11 स्वर होता है, 35 व्यंजन होता है और 4 संयुक्त व्यंजन होता है। हिंदी वर्डमाला में कुल 50 वर्ड होता है, कितना, 50 वर्ड होता है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती और व्यंजन में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती। इस तरीके से आप लोग का पूरा पूरा जो था वो चीज मैं आप लोग को बता दिया। अगर इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ। बस क्या करना, आप लोग को लाइक और कमेंट और शेयर 100% कर देना है।